महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। हालांकि राज्य सरकार ने इस योजना से लाभान्वित होने वाले दिव्यांगों का लाभ रद्द कर दिया है। संजय गांधी निराधार योजना से दिव्यांग व्यक्ति को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है, लेकिन जिसका बेटा 25 साल का हो गया है उसकी पेंशन सरकार ने बिना कोई कारण बताए बंद कर दी है। इस बात को लेकर एक ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया गया कि इस निर्णय से दिव्यांग बंधुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ ने दिव्यांगों के साथ हुए इस दमकारी अन्याय का विरोध किया। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि दिव्यांग भाइयों की पेंशन बंद करने का आदेश किसने दिया है, वे लिखित जवाब दे। अगले 7 दिनों में बंद पेंशन चालू कराई जाए, अन्यथा कार्यालय में डेरा आंदोलन करने की चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। इस अवसर पर मारुति महाकाळकर जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ गजू कुंबळे रुग्ण मित्र जगदीश देवतळे गोपाल कांबळे सचिन भजभुजे अंतानिमजे मीना पुनासे सीमा निमस्कर सामाजिक कार्यकर्ता हर्षल गुंडे रुपेश लांजुरकर श्याम इडपवार और कई दिव्यांग बंधु उपस्थित थे। विकलांग महासंघ की ओर से 20 तारीख को मैडम को निवेदन दिया था विकलांगों के पेंशन बंद करी गवर्नमेंट ने, उसके सिलसिले में हमने 20 तारीख को निवेदन दिया था मैडम को, और आज उसके मैडम और तालुका प्रशासन ने वो निवेदन का कोई ये लिया नहीं, जिसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम राष्ट्रीय विकलांग महासंघ के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ते यहाँ पे विरोध करने का आए, और हमने जिला प्रशासन और तालुका प्रशासन का विरोध किया, और ये हमारी जो मांग थी विकलांगों के पेंशन बंद करने में आज जो तहसीलदार से बात हुई और अभी वो जहाँ निकला है अभी पूर्वरत विकलांगों जो बंद पेंशन हुए वो चालू हो जाए। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।